सड़कों पे गोबर। और अभी तो एक वीडियो वायरल हो रहा है, सांड एक बाबा को दौड़ा ले रहा है। हाँ, वो बाबा को दौड़ा रहा, बताइए करना चाहते हैं, उनके लिए एग्जेम्पलरी काम है जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने करके दिखाया। हजारों करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है बर्बाद करने की, प्लानिंग के साथ सही तरीके से किया जाए तो वो नदी साफ बही जा सकती है। और आपने देखा होगा जब डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस का जो एग्जीबिशन थी जिस समय, क्या नजारा था गोमती के किनारे, क्या क्या नहीं हो रहा था, वहां रोइंग हो रही थी, हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे और नेवी और एयरफोर्स के लोग न जाने कितने कार्यक्रम कर रहे थे। तो ये हर साल हो सकता है और पूरे साल ऐसे कार्यक्रम हो सकते हैं, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के बाबा मुख्यमंत्री, उन्हें इसी की चिंता है जो यहां बैठा हमारा नौजवान जो पूछ रहा है। इसलिए षड्यंत्र और साजिश से आप भी बचाइए उत्तर प्रदेश को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय दोगुनी जो उधर से सवाल किया है, मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि अगर बाबा मुख्यमंत्री आपको मिल जाए भारतीय जनता पार्टी के, उनसे पूछिए आपने संकल्प पत्र में लिखा था क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई, आखिरकार लिखा क्यों था। और उनका भाषण पुराना उठाइए, उसमें कहा कि 2022 आते ही किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। ये कोई जादू था उनके पास कि तारीख बदलने से, साल बदलने से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह किसान जानवर से परेशान है, जिस तरीके से उसकी मदद होनी चाहिए, सरकार मदद नहीं कर पा रही, खाद नहीं सरकार दे पा रही, बताइए। जो बड़ी बड़ी हवाई बातें करते हैं, उनके पास खाद नहीं है देने को।